मेरा बहुत फेवरेट नियरर टू द हार्ट, थोड़ी सी मैं उसको लेके पार्शल भी हूँ, अवर चैंप मोहिल सिंगल। थैंक्स मैम। मोहिल सिंगल यस छोटा सा है ये, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या चमत्कार दिखा रहा है। सो हेलो माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय रिस्पेक्टेड जजेस एंड माय ऑल फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ रियल स्टोरी हैपेंड इन लंदन 50 इयर्स अगो। इट्स अ रियल स्टोरी, सो लिसन केयरफुली। So, myself Mohil Singhal from 5th GB. So today I am narrating your story. So let's start. So my topic is be the valuable person. Okay. So एक दिन की बात है कि एक बहुत बड़ा इंसान एक सेमिनार में गया, बहुत बड़े सेमिनार में। उसके हाथ में $20 लेके। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने सबसे पूछा कि आप लोग को ये मेरे $20 चाहिए? तो मैं भी यही चीज आप सबको पूछ रहा हूँ कि आप सबको चाहिए? नन्नी मैम आप भी बोलिए, सब लोग चैट में मुझे आंसर दीजिए। श्योर मैम फ्री में मिल रहा है। फ्री में कौन ना बोलेगा भैया। ओके, तो जैसे कि आप सब कुछ ये वैसे ही उन लोगों को भी चाहिए था, तो सब लोगों ने उनके हाथ रेज कर लिए। ओके, तो फिर उसने बोला, जो मिस्टर एक्स थे, उन्होंने बोला कि मैं ये $20 तुम्हें दूंगा, पर पहले मुझे ये करने दो। फिर उसने ऐसा किया तो जो $20 थे उसको एकदम क्रम्बल्ड कर दिया। फिर उसने पूछा अब किसको चाहिए, और यही चीज मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूँ, पूरे क्रम्बल्ड नोट्स हैं, वो किसको चाहिए? यस या नो? मैम यूज तो अभी भी होंगे ना? राइट, यूज तो तभी जिस जरूरतमंद को, वो भी मतलब एक्सेप्टेबल होगा। ओके ओके, तो जैसे कि आप लोग को चाहिए, जैसे कि आप लोग ने यस बोला है, वैसे ही उन लोगों ने भी यस बोला। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर ऐसा हुआ था, फिर उसने बोला कि अब मैं क्या कर सकता, अब तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं। फिर उसने जो उसके $20 थे उस जमीन पे फेंक दिए, और फिर उसके जो शूज थे उससे उसको इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, डर्टी और फुल क्रम्बल्ड। फिर उसने वो उठाया वो इतने गंदे नोट और सबको दिखाए और पूछा कि ये अब ये $20 क्रम्बल्ड नोट एकदम डर्टी और एकदम गंदे किसको चाहिए? और यही चीज मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूँ। मैम जो वेल सेटल्ड होगा वो देख के नहीं लेगा, पर जो जरूरतमंद होगा उसको गिव माय गिव आंसर इन चैट बॉक्स। ओके, तो जैसे कि आप लोग को चाहिए वो तब भी यूज तो होंगे, भले कितने में गंदे दिख रहे हैं। जैसे आप लोग को चाहिए वैसे उन लोग को भी चाहिए ही थे। ओके फ्रेंड्स, तो एक सेकंड, सो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? वो मैटर नहीं करता है कि आपने वो जो पैसे हैं उनके साथ क्या किया, पर वो जो पैसे हैं वो उन लोग को तब भी इसके लिए चाहिए थे क्योंकि उसकी वैल्यू तो डिक्रीज नहीं हुई, भले वो कैसे भी दिख रहे हैं। वो $20 के $20 ही थे। और ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हमारी लाइफ में होता है कि हमारी लाइफ पूरी क्रम्बल हो जाती है और ग्राइंड हो जाती है डर्ट में, पर और कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और कभी कभी हम डील कर लेते हैं पुअर सर्कमस्टेंसेस के साथ। तो वो सब करने से हमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा वर्थलेस फील करते हैं। पर वो मैटर नहीं करता कि आपके साथ क्या हुआ है या फिर क्या होने वाला है, वो हमेशा याद रखेंगे, आप कभी भी अपनी वैल्यू यूज लूज नहीं करेंगे। तो और ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि आप ऐसा मत ट्राई करिए कि आप एक इंसान बने सक्सेस वाले भरे, पर ऐसा ट्राई क्या करिए कि आप ऐसा इंसान बने जो इसकी कोई वैल्यू हो। ऐसा हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। और हमेशा आप ये भी याद रखिए कि आप एकदम स्पेशल हैं और कभी ये चीज मत भूलिए। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर सीइंग माय पीपीटी।
and I hope so you liked my PPT. Thanks. Very good. You proved once again you are a champ. Lekin question to rise hoga. Yes, ma'am. Yes. Okay. So Einstein वगैरह का तो ठीक है. What according to you is the value of man? मतलब मैम आप कुछ भी आपकी लाइफ कैसे भी हो जाए डर्ट में चली जाए आप कैसे भी बन जाओ कितने भी गंदे हो जाओ मतलब आपकी कितनी भी कोई बेइज्जती कर दे पर आप एक जो अच्छा काम करते हो वो तो आप करते ही हो उससे आपकी कोई इज्जत पानी में नहीं जाने वाली ओके शिल्पा मैम ऑल टू यू मोहिल वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था जिसमें बहुत कुछ सीखने मिला बहुत अच्छे एक्सप्रेशन से आपने मतलब उस स्टोरी को मतलब बताया एक बात मैं पूछती हूँ आपके फ्रेंड्स में फ्रेंड्स होंगे या आपके कजिन्स या सिस्टर ब्रदर होंगे कई बार कितनी बिहेवियर आपको खराब लगी होगी आपके साथ मिसबिहेव हुआ होगा दो तीन बार किसी ने आपको इंसल्ट कर लिया होगा बहुत बार हाँ तो इतने बार इंसल्ट करने के बाद आपके मन में उनकी वैल्यू क्या रहती है क्या सेम हो जाती है फिर भी इट विल बी सेम यस मैम वैसी ही सेम ही रहेगी क्योंकि वो लोग तो कभी कभी ही मेरी इंसल्ट करते हैं हमेशा तो नहीं करेंगे हाँ और वो भी चिढ़ाने करे क्योंकि वो मेरे भाई बहन है अच्छा तो क्या ये एक और चीज मेरे को एक सेंटेंस याद आया कि मैं अपना फेवरेट हूँ मैं कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता और ना किसी और क्या बात लव यू फॉर दिस सो बी सेम एज यू आर नाउ ऑलवेज गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक्स वेरी गुड मोहिल बट एक और चीज मैं बोलूंगी वर्ड इंसल्ट इज एक्चुअली नॉट मेड फॉर द चिल्ड्रन The reason is that you are in a learning age. जब हम learn करते हैं ना तो ये word नहीं आता insult. जो हमारे बड़े होते हैं ना वो हमें समझाते हैं समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है ठीक है लेकिन इज्जत जैसी तो चीज हमारी कुछ होती ही नहीं है तो कौन ले लेगा ठीक है तो respect वगैरह इसमें नहीं आता है You all are the kids. You all are in the learning age. Even I'm also in a learning age. I learned many things from you people. ठीक है? अरे मेरे टाइम में कंप्यूटर थोड़ी था तो कंप्यूटर तो मुझे तुम ही लोग सिखाओगे ना तो न्यू थिंग्स विच विल बी कमिंग टू अस विल बी टॉट बाय यू पीपल सो इफ वी थिंक अबाउट द प्रेस्टीज रेप्यूटेशन देन वी आर स्टॉप स्टेग्नेंट वाटर जो होता है ना ठहरा हुआ पानी उसमें हमेशा बास कर ठीक है तो वी शुड बी ऑलवेज अ फ्लोइंग वाटर और फ्लोइंग वाटर की तो कोई इंसल्ट नहीं होती वो तो फ्लो हो रहा है ठीक है okay.